चलिए बच्चों, अब करते हैं EDMC क्लास 4 वर्कशीट नंबर 12 EVS की, पर्यावरण अध्ययन की, पार्ट नंबर 8, नानी के घर तक। प्रश्न एक देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक लंबे सफ़र के बाद ओमना अपनी नानी के घर केरल पहुंच गई। उसने ऑटो, रिक्शा, बस और नाव का सफ़र भी किया। इस तरह जब हमें किसी दूसरी जगह जाना होता है तो हमें अलग अलग यातायात के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को चुनो जो दिल्ली से दूर रहते हों। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से पता लगाओ कि तुम उस रिश्तेदार के गांव, शहर, कस्बे तक कैसे पहुंचोगे, और निम्नलिखित सूचना को पूरा करो। चलिए देखते हैं इसका पार्ट वन। बच्चों, आप खुद से कर सकते हो इसको। मैं जो लिखना चाहूँगा उत्तर, वो इस प्रकार हैं। प्रश्न एक का, आप कौन सी ट्रेन से जाओगे? हम रीवा एक्सप्रेस से जाएंगे। सेकंड पार्ट, यात्रा में कुल कितना समय लगेगा? यात्रा में कुल 14 घंटे का समय लगेगा। तीसरा भाग, कौन से राज्यों से होकर आप गुजरोगे? हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे। चौथा, यातायात के कौन से अन्य साधनों का उपयोग कर आप उनके घर तक पहुंचोगे? हम ऑटो और बस का उपयोग करके भी उनके घर तक पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर दो, निम्न में से जिन यातायात के साधनों में आपने सफ़र किया है उन पर गोला लगाएं। तो चलिए करते हैं। क, रिक्शा पर गोला लगा दिया। ख, ट्रेन पर गोला लगाया। ग, ऑटो पर गोला लगाया। ण, बस। और च, मेट्रो पर गोला लगाया, क्योंकि हमने इन सब में सफ़र किया है। आपने भी जिन जिन में सफ़र किया हो आप उन पर गोला लगा सकते हैं। दूसरे भाग पे आते हैं। किसकी सवारी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, विस्तार से बताएं। मुझे मेट्रो की सवारी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मेट्रो में सफ़र आरामदायक रहा। एसी में गर्मी का एहसास नहीं हुआ। मुझे यात्रा में भी कम समय लगा। प्रश्न नंबर तीन, दिए गए ट्रेन टिकट से प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखो और अलग अलग रंगों से टिकट में गोला लगाओ। तो बच्चों, यहाँ पर एक ट्रेन के टिकट दिखाया गया है आपको। इसमें से ट्रेन का नंबर, यात्रा शुरू होने की तिथि, बर्थ नंबर और दूरी किलोमीटर में, ये सब ढूंढना है और उन पे अलग अलग रंग का गोला लगाना है। तो चलिए करते हैं। ये हमने ढूंढा ट्रेन का नंबर 9037। यात्रा शुरू होने की तिथि, गोला लगाया 24/12/2006। बर्थ नंबर 21/22/23, गोला लगा दिया। दूरी पर गोला लगाया 643 किलोमीटर। अब है क्रियाकलाप। ओमना अपने सफ़र की हर बात अपनी डायरी में लिखती थी। क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? नीचे अपनी किसी यात्रा के अनुभव के बारे में लिखो। तो बच्चों, आप भी अपनी यात्रा का अनुभव किसी डायरी में लिख सकते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने ऐसे अनुभव लिखते रहे होंगे। आप अपने अनुभव को स्वयं लिख सकते हैं। मैं अपना अनुभव इस तरह लिखूंगा। पिछली गर्मियों में मैं अपनी नानी के घर गया था। हम सब दिल्ली से ट्रेन में बैठकर गए थे। ट्रेन में सफ़र करते हुए बड़ा मज़ा आया। खिड़की से बाहर आकाश, भागते हुए पेड़, हरियाली दिखी। मेरी बहन भी खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठने के लिए मुझसे कहने लगी। मैंने मना कर दिया। उसने मम्मी से शिकायत की तो मम्मी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी देर तुम दोनों खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठ जाना। ट्रेन में चाय और स्नैक्स बेचने वाले आ जा रहे थे। अपना स्टेशन आने पर हम ट्रेन से उतर गए। वहां मेरे मामा जी हमें लेने आए हुए थे और हम उनके साथ नानी के घर गए। ट्रेन के इस सफ़र में मुझे बड़ा मज़ा आया। बच्चों, ये हमने EVS की वर्कशीट कम्प्लीट कर ली है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।